नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इन सब सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में ढूंढेंगे। तो चलिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में देखने के लिए मैंने आज YMRF का शेयर सिलेक्ट किया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने YMRF का कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट लगाया हुआ है। तो इसमें देख सकते हो आपकी YMRF का डाटा पूरा 1999 से लेके 2000 अभी जो करंट चल रहा है 2020 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे कि देख पा रहे हो YMRF का शेयर्स एक्चुअली लिस्ट हुआ था 1995 में, लगभग लिस्ट होते समय उसका प्राइस 2000 के आसपास था, लेकिन 2001 में उसका प्राइस पूरा नीचे आ चुका था, लगभग 500 रुपए के आसपास आ चुका था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले चार्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पूरा लगभग 7 से 10 साल एक ही जोन के अंदर रहा था, और जब उस जोन से बाहर निकला तो इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया दोस्तों। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस की बातें हैं, लेकिन हम आज इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जब इस रेक्टेंगल से ये शेयर्स बाहर निकला तब जाके ये इतना बड़ा मूवमेंट दिया कि आज तक कभी रिटर्न नहीं आया। तो यही सब चीजें हैं जो हम आज सीखेंगे कि कैसे होती है। मान लेते हैं कि अगर किसी बंदा, मतलब किसी को इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन उसको उसको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और इन्वेस्टमेंट की क्या फायदे है, तो उसके लिए मैं स्लाइड्स के ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन पहले इसके अप एंड डाउन हम चेक करते हैं। जैसे कि 2001 में उसका प्राइस 500 रुपए के आसपास था, जैसे कि आप देख पा रहे हो या इस स्क्रीन पे मैं आपको 2001 का प्राइस इसका दिखा देता हूँ। तो ये लगभग इस जो एरो मैंने ड्रॉ किया है उसके आसपास 2001 का प्राइस था, लगभग 500 रुपए के आसपास था। उसके बाद एक बड़ा अपमूव आया 2007 में, तब उसका प्राइस कुछ 8000 के आसपास था दोस्तों, यहाँ पे 8000 के आसपास था। और जो सबसे बड़ा वाला अपमूव आया वो 2018 अप्रैल में आया था दोस्तों, तब उसका प्राइस कुछ 80,000 क्रॉस था, समझ सकते हो आप दोस्तों। तो यही सारी चीजें होती है इन्वेस्टमेंट में। अगर कंपनी वैल्यू, कंपनी के एसेट अच्छे है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो आपको डेफिनेटली 100% अच्छे रिटर्न देंगी। तो इसी के बारे में आगे देखेंगे। तो मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर लेके जाता हूँ जहां पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो जो ये YMRF कंपनी है वो एस्टेब्लिश हुई थी कुछ 1946 में, ठीक है। तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका प्राइस 2000 के आसपास था, ओके। लेकिन आपको तो पता है कि कंपनी लिस्ट होने के बाद भी उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है उसके ऊपर उसका पूरा शेयर का प्राइस का वैल्यू डिपेंड होता है, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फर्स्ट अक्टूबर 2001 में, मतलब अक्टूबर के 2001 में शेयर का प्राइस 500 रुपए था, 2007 में इसका प्राइस लगभग 8000 के आसपास था, और 2014 में इसका प्राइस लगभग 16000 के आसपास था, और 2018 में इसका प्राइस 80,000 था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीजें कि इसका प्राइस कैसे ऊपर चला गया दोस्तों। एक्चुअली हमारे अपना 1989 में जो इंडिया की सबसे पहली और स्मॉलेस्ट कार थी मारुति, उनको उनके साथ टाइप किया और उनको टायर सप्लाई करना शुरू कर दिया दोस्तों। YMRF ये टायर्स एंड रबर्स में डील करती है, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, टायर की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, वैसे वैसे, वैसे कंपनी की एसेट बढ़ते गए, कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग होता गया और कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ती गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं 2001 में अगर किसी बंदे ने YMRF के 100 शेयर लिए होते 500 रुपए के भाव पे, तो 50,000 उसका पूरा इन्वेस्टमेंट बन जाता। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट निकाले, आप वहां पे देख सकते हो, ये उसका बन जाता इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए। और अगर उसने उसको 7 साल तक होल्ड किया रहता तो उसका प्राइस 7 साल के बाद बन जाता 8 लाख रुपए, ओके। और वही शेयर का प्राइस 2014 में बन गया था कुछ लगभग 16,000 रुपीज। मैंने आपको चार्ट पे दिखाए थे दो तीन उछाल, तो पहला उछाल दिखाया था 8,000 का, दूसरा था 16,000 का और तीसरा था 80,000 का। तो जो 2014 में उसका प्राइस बन चुका था 16,000, मतलब 16,000 के आसपास, और उसका कुल इन्वेस्टमेंट था 50,000, उसकी प्राइस बन चुकी थी 16 लाख रुपया। तो देख सकते हो आप पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। और उसी शेयर का प्राइस अप्रैल मंथ के 2018 में बन चुका था, एक शेयर का प्राइस 80,000 रुपया,
मतलब उसी इन्वेस्टमेंट का बन चुका है 80 लाख रुपया। तो अगर किसी ने, अगर मान लो किसी ने 50,000 रुपया भी लगाया होता 2001 में, तो लगभग 2018 में आते आते उसके 50,000 रुपये पूरे 80 लाख में कन्वर्ट हो जाते दोस्तों, ठीक है। तो ये सब ये सारी चीजें होती है इन्वेस्टमेंट में। ये कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो सिंपल चीजें है। आपको एनालिसिस करना है शेयर्स के बारे में, आपको पता करना है कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में वैल्यूएबल पूरा हो चुका है, मतलब उसका स्टॉक का वैल्यू क्या है, कौन से स्तर पे उसे खरीदना है, कंपनी कुछ अच्छे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उनका प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट एसेट में उसको एसेट इंक्रीज करने में लगा रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज करने में लगा रही है। अगर मान लेते हैं कि एसेट इंक्रीज करने में लगा रही है तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी एम्प्लॉई बढ़ा रही है, मतलब कंपनी अपना जो भी टर्नओवर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कंपनी ग्रो करना चाहती है। हमेशा जो उनका स्टाफ है वो हम्बल रहना चाहिए, स्टाफ मतलब मैनेजमेंट का स्टाफ, हमेशा उनके सीईओ का जो भी सीईओ है उसका दृष्टिकोण दूर दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें आपको ढूंढनी है, वो कैसे ढूंढनी है क्या है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये 50,000 रुपये कैसे 80 लाख में कन्वर्ट हुआ इसका वीडियो मैंने आज बनाया आपके लिए। तो पहले 7 साल में दोस्तों देख सकते हो, मैंने कर्सर को देख लीजिए, पहले 7 साल में उसके जो रिटर्न थे उस पर उस आदमी को मिल चुका है 1600%, ठीक है, पहले साल में मिल चुका है 1600%, पहले 7 साल में। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 14 साल में बन चुका है 3200%, मतलब लगभग 3200% अमाउंट का। और अगर आखिरी तक देखा जाए, मतलब 2018 तक देखा जाए, तो जो भी रिटर्न्स है वो लगभग 16,000% रिटर्न्स है। समझ सकते हो आप कितना रिटर्न बन चुका है। तो ये रिटर्न्स आपको मिलेंगे शेयर मार्केट में दोस्तों, और कहीं नहीं मिलेंगे। आपको खाली अच्छा स्टॉक ढूंढना है, उसमें आपका पैसा लगाना है, और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन भरे सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए